किसान संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के चलते जाल उपखंड के किसानों ने भी तहसील चौराहे पर चक्का जाम किया। इस दौरान किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर जाम लगाया। तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध किया गया। किसानों द्वारा तीनों बिल वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मूलाराम डूकिया, प्रधान प्रतिनिधि महावीर गोतारा, प्रहलाद राम बांगड़ा, मणिराम लोमरोड, राम अवतार सैनी, ओम प्रकाश, अर्जुन राम, मनोज कड़वासरा सहित अनेक किसान मौजूद रहे। समर्थन में ये चक्का जाम का प्रोग्राम रखा गया है। आज जब ये बजट आम बजट हुआ था तब केंद्रीय मंत्रियों ने इस बजट को राम राज्य बताया था और वो भूल गए कि राम राज्य की परिकल्पना क्या होती है। शायद आपके मीडिया के साथियों को बताना चाहिए कि राम राज्य क्या होता है। राम राज्य में एक कर व्यवस्था थी। जब राजा रामचंद्र जी वनवास में थे तब भरत उनसे मिलने गए थे, तब राम ने पूछा था कि राम राज्य कर आप किस प्रकार ले रहे हो। तब राम ने बताया था कि कर लेना चाहिए सूरज की तरह। सूरज समुद्रों से जल शोषित करके और दूसरी जगह बरसाता है, तब हम लोग सब खुश होते हैं। लेकिन आज का राजा ये चीज भूल चुका है कि जो देश के अन्नदाता है उनसे इस प्रकार कर ले रहा है, उनकी जमीन हड़पना चाह रहा है, उनको बेघर करना चाह रहा है। ये बात आज सत्ता में बैठे लोगों को समझनी होगी कि देश की 80% जनता अन्नदाता है, किसान वर्ग से है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए ये तीनों बिल वापस लेना चाहिए या MSP की गारंटी देनी चाहिए। किसानों की घेराबंदी